ओएलएक्स पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने किया खुलासा। अलीगढ़ से एक ओएलएक्स पर ठगी का मामला सामने आया है। वहीं ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। आरोपी ने ओएलएक्स पर वॉशिंग मशीन के नाम पर कुवेंद्र पाल सिंह से ठगी की थी। वहीं कुवेंद्र पाल सिंह ने आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत की। पुलिस ने आरोपी विजेंद्र सिंह को 5 मोबाइल फोन, 9 ATM कार्ड, 8 पहचान पत्र, 40 पासपोर्ट साइज फोटो, एक मोबाइल चार्जर के साथ गिरफ्तार किया है। SP सिटी अभिषेक झा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने ओएलएक्स पर वॉशिंग मशीन के नाम पर ठगी की थी, जिसे लोधा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अपराधी का पुलिस आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस द्वारा अग्रिम विवेचना की जा रही है। देखिए, लोधा थाना क्षेत्र के रहने वाले गोविंद पाल नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ ओएलएक्स का फ्रॉड हुआ था। उन्होंने कोशिश की, उसके संबंध में पेमेंट उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद रिमाइंडर था, उन्हें डिलीवर नहीं हुआ था। और जिससे उन्होंने सामान खरीदा था, उसने जो अपना कॉन्टैक्ट दिया था मोबाइल नंबर, उसने स्विच ऑफ कर दिया। इसी संबंध में जो है अभी उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके कब्जे से 5 मोबाइल, 9 ATM कार्ड, कई पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वगैरह जो बरामद किए गए हैं। और इसमें जो है अभी इसमें जो है जानकारी की जा रही है और किस प्रकार के इसके द्वारा जो फ्रॉड किए गए। किस तरह से ये युवक था और कब से ये सारा काम चल रहा था? ये व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है। विवेचना भी जा रही है।